अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव। मैं आपका मेजबान हाफिज अब्दुल रहीम, मदरसा तालीमुल कुरान अशरफ नगर सोनाला और जामिया ज़ैनब बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनाला के अज़ीम शान प्रोग्राम खत्म बुखारी शरीफ मुनाकिद हुआ था। ये प्रोग्राम मदरसे ही के मैदान में 9 अप्रैल बरोज मंगल को मुनाकिद हुआ था, जिसमें मुल्क की बड़ी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें हजरत मौलाना खलील रावत साहब दामत बरकातुम भी तशरीफ लाए थे। हजरत मौलाना ने तलबा को बुखारी शरीफ के आखिरी बाब की आखिरी हदीस सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ाया और हाजरीन से भी कहा कि आप भी इस हदीस को पढ़िए। इसके बाद हजरत मौलाना खलील रावत साहब दामत बरकातुम ने तलबा को बहुत ही प्यारी और अच्छी नसीहत की, हुस्न नीयत हुस्न अखलाक की नसीहत की और फरमाया कि अपनी तालीम को दुनिया का जरिया ना बनाए, अपनी तालीम को आखिरत का जरिया बनाए। जो अपनी तालीम को आखिरत का जरिया बनाएगा अल्लाह दुनिया भी देगी और आखिरत भी देगी। हजरत मौलाना खलील रावत साहब दामत बरकातुहुम की ये हदीस और ये कुछ मुख्तसर सी बातें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसको जरूर सुने और आगे शेयर करें। उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे ये खदशा हुआ कि खुदा ना खास्ता रात का वक्त मेरी मौत आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला मुझे पूछेंगे मैं क्या करूं, इसलिए निकल कर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। राय पूरी रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह किया कि कौन से आए फरमाया कि मैं पढ़ रहा था वला तकुलु अमारकुम बैनकुम बिल बाबिल और उसके बाद जो आया है अल्लाह का काल अहिल्ला बताहिर उन दोनों आयतों के दरमियान में कोई रहा।